डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद, तो आप डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार रहें। स्टार्ट। भारत त्योहारों और मेलों की भूमि है। स्टॉप। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं और वे सभी पूरे साल अपने अपने त्योहारों और उत्सवों को मनाते हैं। स्टॉप। यह इस ग्रह पर पवित्र स्थान है जहाँ बहुत सी पवित्र नदियाँ हैं और बड़े धार्मिक त्योहारों और उत्सवों को मनाया जाता है। पैरा। लोगों विशेष रूप से पूर्वी भारत के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला नवरात्र या दुर्गा पूजा एक त्योहार है। स्टॉप। यह पूरे देश भर में खुशहाली पूर्ण उत्सवों का वातावरण लाता है। स्टॉप। लोग देवी दुर्गा की पूजा के लिए मंदिरों में जाते हैं या घर पर ही पूरी तैयारी और भक्ति के साथ अपने समृद्ध जीवन और भलाई के लिए पूजा करते हैं। पैरा। नवरात्र या दुर्गा पूजा का उत्सव बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। स्टॉप। भक्तों द्वारा यह विश्वास किया जाता है कि इस दिन देवी दुर्गा ने बैल राक्षस महिषासुर पर विजय प्राप्त की थी। स्टॉप। उन्हें ब्रह्मा भगवान विष्णु और शिव के द्वारा इस राक्षस को मारकर और दुनिया को इससे आजाद कराने के लिए बुलाया गया था। स्टॉप। पूरे 9 दिन के युद्ध के बाद उन्होंने उस राक्षस को 10वें दिन मार गिराया था। वह दिन दशहरा कहलाता है। स्टॉप। नवरात्र का वास्तविक अर्थ देवी और राक्षस के बीच युद्ध के 9 दिन और 9 रात से है। स्टॉप। दुर्गा पूजा के त्योहार से भक्तों और दर्शकों सहित विदेशी पर्यटकों की एक स्थान पर बहुत बड़ी भीड़ जुड़ी होती है। पैरा। पूजा के अंतिम दिन मूर्तियों का विसर्जन बड़े हर्षोल्लास धूमधाम से जुलूस निकाल कर किया जाता है। स्टॉप। नगर के विभिन्न स्थानों से प्रतिमा विसर्जन के जुलूस निकलते हैं और सब किसी न किसी सरोवर या नदी के तट पर पहुंचकर इन प्रतिमाओं का जल में विसर्जन करते हैं। स्टॉप। बहुत से गांवों और शहरों में नाटक और रामलीला जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। स्टॉप। इन 3 दिनों में पूजा के दौरान लोग दुर्गा पूजा मंडप में फूल, नारियल, अगरबत्ती और फल लेकर जाते हैं और माँ दुर्गा का आशीर्वाद लेते हैं और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। समाप्त।